दूसरा मुबारक हो आपको सर्दियां आ गई, लोग आपको मुबारकबाद देते इस बात पर कि जी ओ शादी मुबारक हो, कोई आपको ईद मुबारक, कोई नया साल मुबारक, कोई आपको कहता है कि बड़ी ईद मुबारक, कोई कहता है जी रबी अव्वल मुबारक। मैं अहले ईमान को मुबारक देता हूं कि सर्दियां आ गई, दिन रोजे रखने के लिए छोटे दिन आ गए, रातें लंबी नींद पूरी करके क्याम तहज्जुद के लिए दिन आ गए। मुझसे वो मुबारक कबूल फरमाए। जिन लोगों ने अपने तज़किया नफ्स करना है वो नफली रोजे रखे पीर जुमेरात 13, 14, 15 का, उनको दिन मुबारक। प्यास नहीं लगेगी सर्दियों में, छोटा रोजा 5 बजे रखा इधर शाम है जी, और उधर जाके आप देखें कोई बंदा 4:30-5 बजे तक भी तहज्जुद पढ़ना चाहता है, अल्लाह ने कहा दरवाजा खोल दो। कई लोग गर्मियों में नहीं उठ सकते, सर्दियां अल्लाह ने मोमिनों को बख्शने के लिए बनाई है। तो आपकी बख्शिश के दिन करीब आ गए, जैसे रमजान की मुबारक आप लेते ना मुझसे, समझे आपके लिए रमजान एक नया अल्लाह ने मौसमी रमजान बनाकर भेजा, ठंडा ठार जो चाहते हैं आप रमजान में ये मौसम होना हो, तो हम तहज्जुद भी पढ़े रोजा भी रखे बड़ा मजा आता है, अल्लाह ने ये दिन आपको दे दिए। इसलिए मेरी तरफ से सबसे ज्यादा मुबारकबाद जो आपने लेनी होती है ये तज़किया नफ्स करने के लिए जो मैंने आज आपको बताया, कू अनफुसकुम वाहलिकुम, अपने घर वालों को अपनो तहज्जुद पढ़वाएं, कितनी नींद पूरी हो जाती। बदबख्त है वो आदमी जिसको सर्दियां मिली और उसने अपनी बख्शिश ना करवाई।